कैसे हो संगवारी हो? आप सब ला राधे राधे। आप सब के बहुत बहुत स्वागत है मुर्शी जी तड़का वन चैनल में। तो आज मैं बनाता हूँ जूस। मैं जूस में तीन तरीके का बनाता हूँ, संतरा के, अमरूद के और चुकंदर के। तो आप घर के बने जूस तो बड़ा अच्छा होते, शुद्ध भी होते, बाहर में तो मिलावट वाला मिलते। तो मैं पहली बनाता हूँ संतरा के जूस। तो एक लीजिए 2 मीडियम साइज के संतरा, इला जैसे नींबू काटते वैसे बीच से काट देना है। तो का है सब बीजा बीच में ही रहते तो आसानी से निकल जाते, चोकर से जूस कड़वा घलो नहीं लगा। एक एक करके बीज ला सब निकाल देना है, फिर इला छील छील के खट छिलका और रेशा घलो निकाल देना है, फिर तोड़ तोड़ के ला जार में डाल देना है। और संतरा में तो विटामिन सी पाए जाते जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होते और प्रतिरोधक क्षमता घलो बढ़ाते, तो सब तरह से फायदा करते। तो हमारे संतरा सारा छिला गए है। आप आप एक में हर से बात कौन कौन इला लाओ? जूस पसंद है मुझे जरूर बताओ। आप एक हर बात शक्कर डालना है 2 चम्मच के बराबर और हर थोड़ा से काला नमक। अगर उपवास के लिए बनाते हो तो सादा बनाओ, नमक मत डालो, है ना। ओखर बाद मिक्सी में पीस देना है, फिर ओखर पिसा गए तो देखो बाद छल्ली में छान देना है। एकर गुदा घलो बहुत काम आते, और छिलका छिलका और गुदा ला डाल के फिर मिक्सी में चला के ओखर पेस्ट बना लो। ओला भी मास के 2-4 बूंद नींबू और बेसन मिला के फेस पैक के काम आ जाते। तो अब मैं बनाता हूँ अमरूद के जूस। अमरूद मतलब जाम, अमन तो छत्तीसगढ़ी अमन जाम ही की थन। तो कई जन मन हाँ पके जाम के घलो बनाते हैं और कई जन मन हाँ हरा जाम के। तो मैं हरा जाम के बनाता हूँ। तो पके जाम मोर पास एक ही ठोकरी से तो मैं पहले हरा वाला बना देता हूँ। तो एक काट ले हाँ और बीजा मतलब थोड़ा से अलग कर दे हाँ, का सब तरी थे ना बीजा हाँ वैसे तो पिसा जाते लेकिन फिर भी वो निकाल दे हाँ। उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा करके लो, फिर चटनी जार में डाल देना है और वही शक्कर डाल के काला नमक डालना है और फिर यह उलट थोड़ा से पानी डाल के मिक्सी में चला देना है। तो बढ़िया ये भी फटाफट पिसा जाते हैं। उखर बाद इला छान लेना है अगर छाने के मन है तो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अगर गुदा अगर चबाते तो भी अच्छा लगते। तो मैं दोनों तरीके बनाता हूँ, कभी छान भी देता हूँ और कभी ऐसे भी अब बना ये देता हूँ। जाम के जूस बन के तैयार हो गए है। अब इला दूसरा बर्तन पे छान लो, थोड़ा सा पानी मिला सकता है वहाँ जैसे आप लग पसंद है। और ये देखो जूस तो बन गए है, आप चाहो तो मैं बर्फ भी डाल सकता हूँ। अब मैं बनाता हूँ चुकंदर के जूस। चुकंदर तो बहुत फायदा करते, ब्लड प्रेशर ला कंट्रोल करते और हृदय रोग वाले मन के लिए भी बहुत लाभप्रद है, खून भी बढ़ाते, तो सब तरफ से एक फायदा ही फायदा है। तो आप देखो चुकंदर तो कहे 12 महीना मिलते तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 2 ठोक चुकंदर ले लो मीडियम साइज के, आइला अच्छा से धो के छील लेना है। ये भी बड़ी आसानी से छिला जाते हैं। दोनों ला अच्छा से छील लेना है और मान लो सख्त वाला भाग है तो निकाल के अलग कर देना है। और ओकर बाद पतला पतला काट लेना है। एक कलर तो बड़ा सुंदर लगते। तो अगर पके जाम के आप जूस बनाते हो तो ओमा कलर डालना है तो 2-4 पीस एक भी डाल सकता हूँ। देखो ये चुकंदर पूरा कट गए है, हाथ भी रच जाते काटा तक ले। आप चाहो तो एक पानी और धो सकते हो, और नहीं तो फिर मिक्सी जार में डाल के, पानी नहीं डाले रहे हो ऐसे पिसा जाते बढ़िया। तो पिसा के तैयार हो गए हैं। अभी मैं थोड़ा से पानी मिला सकता हूँ छाने के पहले और खर पर दबा दबा के बढ़िया छान लेना है। तो खर बढ़िया आसानी से अब दूसरा बर्तन में छान लेना है और ऊपर से काला नमक मिला देना है। देखो कद का जल्दी फटाफट बन गए।